हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ सम्स जो हम लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखो जरा। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड व्हाट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बराबर है। और उसने क्या बोला है, मटेरियल ए दिया है, बी दिया है, स्टैंडर्ड दिया है, एक्चुअल दिया हुआ है ना। तो बताओ फटाफट, क्या इस क्वेश्चन में आउटपुट दिया है, नहीं दिया है, तो बोलो फटाफट क्या करोगे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सम सॉल्व किया था, एज आउटपुट इज नॉट गिवन इट इज अज्यूम टू बी वॉट सेम। तो इस क्वेश्चन में भी आउटपुट नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो अब यहाँ पे अपना टेबल बहुत इजीली बन जाएगा। स्टैंडर्ड में मटेरियल ए एंड बी आ जाएगा, क्वांटिटी उसका रेट, क्वांटिटी उसका रेट, एक्चुअल में मटेरियल ए एंड बी उसका क्वांटिटी उसका रेट एंड बी का क्वांटिटी एंड रेट इज ऑलरेडी गिवन। तो इजीली वी कैन प्रिपेयर स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल का टेबल। और जैसे ही स्टैंडर्ड और एक्चुअल का टेबल बन जाएगा, देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरियंस, यूसेज वेरियंस, मिक्स वेरियंस। ऑलरेडी हम लोग को 5 वेरियंसेस पता है, राइट। मैं तो बोलता हूँ क्वेश्चन में तो 3 ही पूछे, बट यू कैलकुलेट ऑल 5 वेरियंसेस। ओके, सो दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क। देन बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या दिया है, देखो मटेरियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसका प्राइस और टोटल कैलकुलेट करके अमाउंट भी दे दिया है, राइट। मटेरियल ए कितना है 500, मटेरियल बी इज 400, मटेरियल सी इज 300। इन तीनों का टोटल टोटल इनपुट इज 1200, उसमें से माइनस 10% नॉर्मल लॉस इज 120, तो नॉर्मल आउटपुट इज हाउ मच, 1080। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें एक्चुअल के बारे में, तो ए इज 400, बी इज 500, सी इज 400, टोटल 1300 माइनस एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस इज 220, तो 1080 इज व्हाट माय एक्चुअल आउटपुट। फटाफट सोच समझ के जवाब दो मुझे, क्या दोनों का आउटपुट सेम है। देखो स्टैंडर्ड का आउटपुट कितना है 1080, एक्चुअल का आउटपुट कितना है 1080। इट मींस यहां पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बनाने का कोई जरूरत नहीं है, है ना। तो यहां पे डायरेक्टली ये स्टैंडर्ड, ये एक्चुअल, उसका क्वांटिटी दिया है, प्राइस मतलब रेट दिया है, यहां पे टोटल कैलकुलेट करके भी दे दिया है। हमारे पास स्टैंडर्ड का टेबल है, एक्चुअल का टेबल है, रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का आउटपुट सेम है एंड डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट ऑल 5 वेरिएंसेस। क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्यों होता है, देखो नॉर्मली जब हम लोग टेबल बनाते हैं, कौन कौन सा टेबल बनाते हैं, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड, देन हम लोग बनाते हैं एक्चुअल। अगर दोनों का आउटपुट सेम है तो वेरी गुड, अगर आउटपुट सेम नहीं है तो व्हाट वी प्रिपेयर, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, है ना, जिसमें दोनों का आउटपुट क्या होता है, सेम होता है, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड है, एक्चुअल है, और कंपेयर करने के लिए हम लोगों को रिवाइज्ड एक्चुअल बनाना है। अब सवाल यह कि सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में वैसे बोला गया है। सो लेट्स रीड व्हाट इज द क्वेश्चन। ध्यान से देखो, द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर हाउ मेनी केजीज, 100 केजी ऑफ केमिकल डी इज मेड अप ऑफ केमिकल ए 30 केजी, केमिकल बी 40, केमिकल सी 80 केजी, क्वांटिटी दिया है, रेट दिया है, फॉर हाउ मेनी यूनिट्स 100 केजी ऑफ आउटपुट, मतलब जो मेरा स्टैंडर्ड है दैट इज फॉर 100 केजी, राइट। उसके बाद इन अ बैच 500 केजी ऑफ केमिकल डी वर प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड का मतलब एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, केमिकल ए में 140, बी में 220, सी में 440, राइट। इट मींस
इट मीन्स कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड दिया है इट इज़ फॉर 100 kg, जो एक्चुअल दिया इट इज़ फॉर 500 kg। तो स्टैंडर्ड 100 है, एक्चुअल 500 है। नॉर्मली हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड 500 kg के आउटपुट के लिए बनाते हैं नॉर्मली, बट लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या दिया है। हाउ डू यू यील्ड मिक्स एंड प्राइस ऑफ फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेरियंस इन एक्चुअल कॉस्ट पर 100 kg ऑफ केमिकल डी ओवर द स्टैंडर्ड। मतलब उसने बोला है जो एक्चुअल है वो पर 100 kg पे कैलकुलेट करो। अब स्टैंडर्ड ऑलरेडी 100 है, एक्चुअल जो दिया है वो कितने पे, 500 पे दिया है, राइट। तो हम लोगों को इस 500 को किस में कन्वर्ट करना है, 100 में। सो वी हैव टू प्रिपेयर रिवाइज एक्चुअल एंड देन इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्लियर? चलो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को खुद सॉल्व करके बता देता हूँ, एटलीस्ट टेबल बता देता हूँ, सो दैट इट विल बी यूजफुल फॉर यू टू सॉल्व। लेट्स सी कैसे करना है। मैंने क्या क्या बोला बताओ फटाफट। एक आएगा स्टैंडर्ड जिसमें आउटपुट आएगा 100 kg, देन देर विल बी एक्चुअल जिसमें आएगा 500 kg, एंड उसके बाद फिर से आएगा एक्चुअल बट इट विल बी रिवाइज एक्चुअल। फटाफट बताओ कितना केजी, इट विल बी फॉर 100 kg। क्लियर? चलो क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। कितने टाइप के मटेरियल है, मटेरियल ए, केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी, ओके। नाउ व्हाट इज द क्वांटिटी, 30, 40 एंड 80। अगर मैं टोटल कर दूं तो इट विल बी 150। रेट 4, 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6, 3, 4 जो 12, 120, 4, 5 जो 20, 200, 6, 8 जो 48, 480। इसका टोटल अगर किया जाए तो 6, 7, 800, ओके। देन एक्चुअल का अगर मैं बात करूँ 500 kg का, केमिकल ए इज 140, केमिकल बी इज 220, केमिकल सी इज 440, और अगर मैं इन सब का टोटल करूँ सो दैट टोटल विल बी 440 प्लस 220 प्लस 140, द टोटल कम्स टू 800। रेट है, रेट यहाँ पे दिया नहीं है बट अमाउंट दिया हुआ है। ए का केमिकल इज 588 अमाउंट, बी इज 1056 एंड दिस इज 2860, ओके। तो कैन वी कैलकुलेट दीज रेट्स, बोलो फटाफट। 140 केजी के लिए कितना पे कर रहे हैं अपन, 588, सो व्हाट विल बी द रेट, 588 डिवाइडेड बाय 140, इट कम्स टू 4.2। सिमिलरली 1056 डिवाइडेड बाय 220, दैट गिव्स यू 4.8, एंड 2860 डिवाइडेड बाय 440, दैट गिव्स यू 6.5। क्लियर? अब नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, स्टैंडर्ड 100 kg का है तो एक्चुअल 500 kg है, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, रिवाइज स्टैंडर्ड बनाते थे फॉर 500 kg। बट इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, हाउ डू यू यील्ड मिक्स एंड प्राइस ऑफ फैक्टर्स, मतलब यील्ड और प्राइस दो वेरियंसेस कैलकुलेट करने बोले, बट हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे। बट उसने क्या बोला है, कॉन्ट्रीब्यूट टू वेरियंस इन द एक्चुअल कॉस्ट पर कितना के जी, 100 kg ऑफ केमिकल डी। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज एक्चुअल फॉर 100 kg वी विल कैलकुलेट, ओके। अब यहाँ पे ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा ध्यान से समझने का कोशिश करो। नाउ फॉर 500 kg, फॉर 500 kg दिस इज माई इनपुट, बराबर। सो वॉट विल बी माई इनपुट फॉर 100 kg, तो फटाफट बताओ किसका ब्रेकअप हम लोग को नहीं मालूम, 100 का। किसका ब्रेकअप हम लोगों को मालूम है, 500 का। सो फॉर्मूला क्या था, अननोन अपॉन नोन, राइट। सो व्हाट इज द अननोन, अननोन इज 100 डिवाइडेड बाय नोन इज 500 इनटू 140 इज इक्वल टू कम्स टू 28, देन 220 इज इक्वल्स टू कम्स टू 44,
440 is equal to comes to 88 and 800 is equal to that comes to 160. Actual revised actual है तो common sense है the actual rate is going to remain same that is 4.2, 4.8 and 6.5. So 28 into 4.2 that gives you 117.6. 44 into 4.8 that gives you 211.2. 88 into 6.5 that gives you 572 and the total will be 572 plus 211.2 plus 117.6 900.8. क्लियर. अब सवाल यह है कि कौन से दो टेबल को हम लोगों को कंपेयर करना है. तो यहां पे ये जो टेबल है दिस टेबल इज नॉट यूजफुल फॉर अस. तो एक है ये स्टैंडर्ड कितने यूनिट्स के लिए 100 केजी, ये है रिवाइज्ड एक्चुअल कितने यूनिट्स के लिए 100 केजी. तो इस टेबल को और इस टेबल को हम लोगों को कंपेयर करना है जहाँ पे दिस विल बी योर स्टैंडर्ड एंड दिस विल बी योर एक्चुअल और हम लोगों को सब मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है. ओके.